क्या है वेलकम बैक टू असलकम बीज आप सब लोग ठीक होंगे आज की वीडियो आप लोग काफी ज्यादा करने वाले हो काफी मजे मजे के क्लचेज आपको देखने को मिलने वाले हैं लेकिन उसके साथ साथ एक न्यूज जो कि आजकल काफी ज्यादा सर्कुलेट कर रही है पबजी मोबाइल के अंदर आने वाले वन ट्वेंटी एफ पी एस अब इस बात में कितनी सच्चाई है एंड अगर ऐसा सच में होने वाला है तो इसका गेम के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है इसके ऊपर भी बात करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोग ये वाला वन वी फोर इन्जॉय करो एक बंदे को इधर मैं डाउन करता हूँ एच मेरी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है ये बंदा मेरी तकरीबन पूरी की पूरी वेस्ट यहाँ पे कहा जाता है सामने से दूसरा बंदा आता है इसको यहाँ पे फायर मारने की ट्राई करता हूँ बाय 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 क्या ही कहा कि है मैं ये बंदे हर बंदा इधर मुझे वन एच पी रहा है नीचे मैं जल्दी से एक वॉलेट ऑफ करा देता हूँ ताकि मुझे हील करने का टाइम मिल जाए अब जितने में मैं अपने आपको किट शीट मारता हूँ ना एक बंदे को अपने यहाँ पे रिवाइव कर देते हैं दोबारा से वन वर्ट सी थ्री का सीन है आ ये गाइस इसी के साथ हमारा वन वर्सेस फोर होता है कंप्लीट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लच की तरफ एंड के साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया एम करते हैं इस वीडियो पे पूरे चार हजार लाइक्स का आई होप आप लोग कंप्लीट करवा दोगे एक बंदे को इधर मैं डाउन करता हूँ साथ इसका दूसरा टीम लेफ्ट साइड से आता है इसको मारते हैं जम्प शॉट दो बंदे इधर मैं डाउन करता हूँ एंड फिलहाल इधर मुझे कोई तीसरा बंदा इनका नज़र नहीं आता तो इनको इधर मैं फिनिश कर देता हूँ अब जैसे ही मैं इनको फिनिश करता हूँ ना एंड आगे की साइड पे जाता हूँ फुट स्टेप आते हैं दो बंदे बाकी के इनके यहाँ पे पुश करने की सोचते हैं एक लेफ्ट पीक एंड वन वर्सेस कोर होता है हमारा कंप्लीट बट दे हमारी नेक्स्ट फाइट की तरफ एंड ये वाली फाइट आपको एकदम चासी कराने वाली है इधर मैं स्क्वाड की साइड पे जा रहा होता हूँ कि सामने मुझे पूरे के पूरे चार बंदे नजर आ जाते हैं फौरन से मैं अपने कालीन को पार्किंग पे लगाता हूँ एंड इन बंदों को फाइट देकर अपनी लोकेशन वगैरह दे देता हूँ अब ये स्क्ॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा केयरी होती है पहले तो ये बंदे अपनी अपनी पोजिशन ले लेते हैं डोज एंड इधर आपके भाई की वेस्ट दोबारा से फारिक हो चुकी है तो ये वाली फाइट मुझे बगैर वेस्ट की ही लेनी पड़ेगी एक बंदा इनका राइट साइड पे आ जाता है एक बंदा ऊपर से ओम से कवर दे रहा होता है एंड दो बंदे पोर्टल यूज करके बिल्कुल मेरे पास आ जाते हैं इधर मैं अपनी छोटी सी अकल का इस्तेमाल करता हूँ दो बंदों को डाउन करता हूँ, अब सामने वाली दोनों विंडो से मुझे बचना होगा भाई दोनों विंडोज पे अरबी स्कोप खोल के बैठे हुए हैं तो मैं भी बड़े आराम खून से यहाँ पे बैठ जाता हूँ कि भाई गलती करेंगे तो ये अरबी करेंगे मुझे कोई जल्दी नहीं है दो बदिन के बिल्कुल मेरे पास डाउन पड़े हुए हैं बोर्ड का खेल भी इधर बह ही लेता हूँ ये सुख भी मैं इनको नहीं लेने देता खैर इधर मैं थोड़ा सा रिस्क लेने की सोचता हूँ सामने जो ओम वाला बंदा है ना ये मुझे थोड़ा सा खटक रहा होता है तो इस बंदे को भी इधर मैं डाउन कर देता हूँ साथ ही नेड आके मेरे मुंह पे पड़ता है एंड वन एचपी में यहाँ पे हो जाता हूँ खैर इधर मैं किट मारने की सोचता हूँ एंड भाई ये देखो ये क्या है यार ये क्या है मतलब यार ये क्या है मेरा बंदा पता नहीं ठुमके मार रहा होता है खैर छोड़ो यार बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फाइट की तरफ एंड ये वाली फाइट भी एकदम खतरनाक किस्म की होने वाली है ये पूरे के पूरे चार बंदे होते हैं एक बंदे को मैं डाउन करता हूँ एक बंदे को मेरा टीम डाउन करता है एंड यहाँ पे मुझे रिवाइव वगैरह मिल जाता है बाकी के दो बंदे यहाँ पे कुछ करने की सोचते हैं तीन बंदे इधर इनके डाउन हो चुके हैं एंड लास्ट वाला जो बंदा है ना वो सामने वाले दरख्त पे अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा है तो चलो यार पुश करते हैं वैसे भी कितने बंदे दोनों की गन जाती है रीलोड पे बटाऊ का भाई जल्दी से गन स्विच करता है एंडी सर्वी को लॉबी भिजवा देता है बढ़ते हमारी नेक्स्ट फाइट की तरफ सामने की साइड पे एक बंदा होता है एंड इस बंदे को मारते हैं प्री फायर प्री फायर फ्री फायर फ्री फायर फ्री फायर दोबारा से फ्री फायर फ्री फायर हल्का सा डैमेज होता है बट फ्री फायर में मेरे बंदा नहीं आता जैसे ही मैं पास जाता हूँ ना इस बंदे का नेड मेरे पास आता है कोई बात नहीं आपके भाई के पास भी बोरी भर के नेड है नहीं यार एक ही नेड है तो इस नेड को बड़ी एहतियात से ध्यान से करना पड़ेगा जैसे ही मैं नेड पिन करता हूँ ना मुझे याद आता है कि भाई ऐसा तो कोई एंगल है ही नहीं कि सामने की साइड पर नेट चला जाए दोबारा से मैं नेट पिन करता हूँ दोबारा से मुझे सेम ख्याल आता है कि भाई ऊपर तो नेट जाएगा ही नहीं दोबारा से नेट पिन करता हूँ एंड पता नहीं क्यों इतनी बार मैं नेट पिन करता हूँ मुझे ख़ुद नहीं पता खैर इन बंदों को या पे मैं क्लोज इन करने की सोचता हूँ एंड आपकी बार मैं इनको बेट करता हूँ नेट पिन करता हूँ कैंसिल करता हूँ शायद से ये बंदे पुश करें बट ये बंदे पुश नहीं करते काफ़ी डीट किस्म के बंदे होते हैं तो अब की बार दोबारा से नेट करते हैं एंड ये लो यार नेट पकड़ो मेरा अब जैसे ही मैं इन अरबियों को मारता हूं ना साथ ही दो और अरबियों का यहाँ पे आ जाता है एंड ये वाले अरबी से ही खतरनाक किस्म के कि अरबी होते हैं आई बैड के ऊपर बाकी तो मेरा हाथ तकरीबन बैठ ही गया बट ये जो हिप फायर है ना ये मेरा काफी ज्यादा वीक है खेरा है हमारे गेम प्ले के ऊपर जैसे कि मैंने बोला था हर वीडियो के लास्ट में मैं एक लिविक का गेम प्ले लगाया करूंगा तो ये वाला गेम प्ले आप लोग काफी ज्यादा इंजॉय करने वाले हो। इसी के साथ साथ बात करते हैं वन ट्वेंटी एफ पी एस तो ये एकदम ऑफिशियल न्यूज है मैंने खुद ऑफिशियल साइट्स पे जाके चेक किया पबजी मोबाइल के अंदर आने वाले हैं वन ट्वेंटी एफ पी वो भी आपको 3.2 अपडेट में ही देखने को मिलने वाले हैं तो इसके ऊपर आपकी क्या थाट्स है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना साथ ही साथ मुझे नीचे कमेंट करके बताओ अभी आपके पास कौन सी डिवाइस है एंड इसके ऊपर कितने एफ आते हैं बात करें हमारे कॉन्टेंट की तो यार हम लोग गरबीला लॉबी खेलते हैं एंड अरबी लॉबी के अंदर 120 ट्वेंटी तो छोड़ो अगर 200 हंड्रेड एफ पी एस पबजी वाले इंट्रोड्यूस करवाए ना तो ऑन द नेक्स्ट डे मेरे ख्याल से सारे के सारे अरबी दो सौ एफ पी एस के ऊपर स्विच कर जाएंगे बट पाकिस्तानी लॉबी के अंदर काफी अनपेड सीन होने वाला है पहले लोगों के पास सिक्सटी एफ पी एस नहीं है बट अगर वन ट्वेंटी एफ पी एस आते हैं ना तो जिस बंदे के पास लॉबी के अंदर एक दो लोग ही ऐसे होंगे जिसको जो एक सौ बीस एफ पी एस पे कह रहे होंगे तो भाई गेम तो फिर वो एकदम लॉबी चमकाने वाले हैं खैर पबजी वाले जी मर्जी ऐसी आते की कर सकते हैं हम आते हैं हमारे गेम प्ले के ऊपर इधर आपका भाई उतरते ही चार किल्स बिटोर लेता है सामने की साइड पे दो बंदे होते हैं एंड एक बंदे की इधर आप लोग काम चेक करो वो देखो भाई कोना पकड़ के बैठा हुआ होता है इस बंदे को इधर मैं डाउन करता हूं साथ ही सामने की साइड पे एक और बंदा होता है इस बंदे को मारने के बाद अब बचती है इवेंट पे एक स्क्वाड जो कि दूसरी साइड के सारे बंदे मार के आए हुए होते हैं एंड ये बंदे आप जिनी की साइड पे आ जाते हैं मैं भी जिनी की साइड पे आ जाता हूँ इधर ये तीन ही बंदे होते हैं लगे तो आपको भाई इनको फिनिश करा देता है एंड इसी के साथ साथ इवेंट होता है क्लियर वो भी नो किल्स के साथ इसके बाद मैं नीचे की साइड पे जाता हूँ काफी देर बंदे वगैरह ढूंढता हूँ एंड फाइनली मुझे बंदे नजर आते हैं एंड ये बंदे होते हैं इन ड्रॉप्स के पास आपस में लड़े होते हैं मैं भी पोर्टल यूज करता हूँ एंड सीधा फाइट में घुस जाता हूँ इधर मैं अपनी गान रीलोड करनी भूल जाता हूँ जो कि काफ़ी बड़ी गलती होती है एंड ये वाली गान का तो भाई गोलियां निकलते पता भी नहीं चलता कब रीलोड लग जाती है तो ये वाला बंदा यहाँ पे मुझे पेल देता है खैर कोई बात नहीं इधर मेरे पास साटोरिकल पड़ा हुआ था दोबारा से मैं इन्हीं बंदों के ऊपर उतरता हूँ एंड अब बार है रिवेंज वाले वन वर्सिस फोर की तो सीन चेक करो लास्ट वाले बंदे के साथ थोड़ा गलत ही सीन हो जाता है इस बेचारे को पीछे से स्नाइपर शॉट पड़ता है एंड एक दो गोली मेरी लगती है एंड ये बंदा यहाँ पे फिनिश हो जाता है इसके बाद बच इस स्लाबी के अंदर एक स्कॉड जिनके दो बंदे मेरे सामने वाली साइड पे हैं एंड दो बंदे मेरे पीछे वाली साइड पे हैं दो बंदे इधर मैं डाउन करता हूँ एंड लास्ट वाला नहीं होता अब मुझे इस बंदे की का पता होता है थोड़ी देर में जोन में जाने की सोचता है ना तो इस बंदे को इधर मैं ओपन में पकड़ लेता हूँ एंड इसी के साथ आपके भाई के यहाँ पे उन्नीस किल्स हो जाते हैं अब ये किल्स उन्नीस ही रहने वाले हैं एंड आपके भाई का चिकन डिनर भी हो जाएगा मतलब यार दो बंदे अलाइव है मेरे अलावा एक बंदा है जो कि बिल्कुल इस घर के अंदर है इस बंदे को मैं मारूंगा भी नहीं एंड मेरा चिकन डिनर भी हो जाएगा वो कैसे वो आपको भी खुद ही पता चल जाएगा हल्की सी मुझे इस बंदे की गन नजर आती है ये बंदा देखो भाई मासूम सा बंदा होता है इधर बैठा हुआ होता है तो ज़रा इसको थोड़ा सा डांस करवाते हैं इधर मेरे खुद के साथ ही प्रैंक होने वाला था मैं रहता हूँ डांसिंग ग्रनेड के अंदर एंड बंदा वायर से आ जाता है बट लकीली इस बंदे की एम सिंगल पे लगी हुई होती है ये भाई कोई न्यू प्लेयर होता है एंड इसको सिंगल से गन हटाना आता ही नहीं है ठीक है इस बंदे को पता ही नहीं है इसकी एम फोर यहाँ पे सिंगल पे लगी हुई है जैसे ही ये डी स्विच करता है ना तो डी तो भाई सिंगल पे लगती ही नहीं है दोबारा से ये बंदा एम्फोर स्विच करता है एंड दोबारा से एम फोर भाई सिंगल पे लगी हुई है इधर मैं सोचता हूँ क्यों ना यार इस बंदे के साथ टीम अप किया जाए एंड इस बंदे को यहाँ पे चिकन डिनर दे दिया जाए इससे पहले मेरे पास लास्ट ग्रेनेड होता है मैं ये ग्रेनेड करवाता हूँ एंड अप जंप वगैरह मार के मैं इस बंदे के साथ यहाँ पर टीम अप करूँगा एंड मेरी नज़र ही नहीं पड़ती भाई पीछे से जोन भी आ रहा होता है एंड इस बंदे को मैंने अच्छा खासा डैमेज भी दिया हुआ होता है तो इधर मैं इस बंदे के साथ टीम अप करने की सोचता हूँ एंड ये भाई यहाँ पे फर्स्ट एड नहीं लगाते तो जैसे ही जोन आता है ना यार ये बंदा यहाँ पे जोन से मर जाएगा इसका मुझे काफी ज़्यादा अफसोस होता है खैर क्या कर सकते हैं तो बस यार आगे वीडियो में सिर्फ ही वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब लाजमी कर देना मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रहा था दोनों में टेक केयर अल्लाह